कल रात 11:30 बजे चेन्नई के एल्लोर जिले में एस्ट्रॉइड गिरा, यानी कि आसमान से गर्म पत्थर गिरा। इस घटना में लगभग 14 लोगों की मौत हो गई और साथ ही लगभग 36 से ज्यादा लोगों के घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंतरिक्ष विज्ञान की एक टीम घटना की जांच पड़ताल करत है और कुछ सैंपल्स रिसर्च सेंटर लेकर गई है ताकि एस्ट्रॉइड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सके। जब तक जांच पूरी ना हो जाए टीम ने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया है। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जॉन, बात हम आपको अभी बताने वाले हैं वो यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं चेन्नई में उल्कापात हुआ जिसे एस्ट्रॉइड भी कहते हैं। हम सब के कैलकुलेशंस के हिसाब से अगले 7 दिन में फिर से एस्ट्रॉइड गिरे की संभावना है। चेन्नई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल में गिर सकत है। हाल ही में जॉन एस्ट्रॉइड गिरा रहा उसका साइज बहुत छोटा था, पर अगला एस्ट्रॉइड 60 स्क्वायर किलोमीटर का हो सकत है। चेन्नई शहर से भी बहुत बड़ा। अगर ये बंगाल की खाड़ी में गिर गया तो तमिलनाडु, आंध्रा, श्रीलंका ये सब जगह भयंकर सुनामी आ सकत है। पिछली सुनामी में तो भारत का कुछ ही हिस्सा तबाह हुआ रहा, लेकिन अगर इस बार इस घटना की वजह से सुनामी आ गई तो भारत के दक्षिणी हिस्से को जल प्रलय से कौनो नहीं बचा सकत। ये के वजह से केरल, यहाँ तक के भारतीय टापू अंडमान और निकोबार हमेशा के लिए तबाह हो सकत है। अरे बाप, तो कोनो नहीं बचे, तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इस सुनामी की वजह से भारत के बहुत सारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाए। ये एस्टेरॉइड भारत के नक्शे को बदल कर रख देगा। तो क्या इस गंभीर हालात में हम दूसरे राज्य में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? शहर के इतनी बड़ी आबादी के शिफ्ट करने के कारण अगर हमें रोड, रेलवेज, एयरलाइंस इस सबको इस्तेमाल करना पड़ा तो हमें महीनों लग जाएंगे और ई मिशन के खातिर हमें फ्यूल जमा करने के लिए हफ्तों लग जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ई खबर आम जनता के पास पहुंच गई तो जरा सोचे ई भगदड़ के कारण कितने लोगों की जान चली जाएगी। शिफ्ट ना ही हुआ तो कितना नुकसान होगा? ई जान के आपके बहुत दुख होगा कि तकरीबन 4 करोड़ लोगों के जान जा सकती है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो हम सबका अपनी मौत के आने का इंतजार करें? इंडियन आर्मी के खातिर कुछ इम्पॉसिबल नहीं। बैठ जाएं आप लोग, प्लीज बैठ जाएं। हमारी मातृभूमि पे हम एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ई एस्टेरॉइड का सरफेस मैप है। एस्टेरॉइड के पिछले हिस्से में एक बड़ा छेद है और ई छेद एस्टेरॉइड के बीचों बीच अंदर तक गहरा है। एकर वीकेस्ट पॉइंट एकर सेंटर है। अगर हम उस छेद में न्यूक्लियर मिसाइल से ब्लास्ट कर दिए तो दो हिस्सा में बट के धरती की कक्षा से अलग चला जाए। ये है धरती की सेफ्टी लाइन। सेफ्टी लाइन क्रॉस करने से पहले एस्टेरॉइड को ब्लास्ट करना होगा ताकि धरती की ग्रेविटी जोन में आ ही न सके। अगर एस्टेरॉइड ने सेफ्टी लाइन को पार कर लिया तो उसका ब्लास्ट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि धरती तो उसका शिकार हो ही जाएगी। एस्टेरॉइड अगले 6 दिन में सेफ्टी लाइन तक पहुंच जाए। मीडिया की नजर में आए बिना काई मुमकिन है कि हम एक रॉकेट को लॉन्च करके एस्टेरॉइड को ब्लास्ट कर सकें? मुमकिन है चीफ। सैटेलाइट मेंटेनेंस प्रोग्राम की आड़ में हम लोग रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। रॉकेट लॉन्च होने का न्यूज आजकल बहुत कॉमन हो गया है सर। चीफ, ब्लास्ट वाली बात से हम पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इतना बड़ा और पावरफुल मिसाइल इंडिया लॉन्च ना ही कर सकता, ना ही कोनो और देश। अगर कोनो देश ने ऐसा किया तो ये यूनाइटेड नेशन पीस ट्रीटी के खिलाफ होगा। कोनो भी देश सैटेलाइट मेंटेनेंस के नाम पर 20 किलो टन से ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ऐसे एस्ट्रॉइड को ब्लास्ट करने के लिए कम से कम 200 किलो न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। चीफ, हमका ऑफ द रिकॉर्ड आपसे एक बात कहे का है, परमिशन हो तो। बेझिझक कहा कैप्टन। चीफ, कुछ ऐसा भी देश हैं जिन्होंने छुपके ब्लैक मार्केट से न्यूक्लियर हथियार खरीदे हैं, तो क्या हम ऐसी परिस्थिति में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? का आतंकवादी के जैसे हमें भी न्यूक्लियर वेपन छुपकर खरीदना पड़ेगा? सोचे के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। दिस मीटिंग इज एडजर्न्ड। आइडेंटिफिकेशन नंबर ट्रेस करा। अगर हमरे आइडेंटिफिकेशन नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की तो हम ही कॉल काट के हमेशा हमेशा खातिर गायब हो जाएंगे। हम भी तो के काम खातिर ही फोन किए हैं। अच्छा ठीक है, बोलो क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज,
200 किलो टन न्यूक्लियर मिसाइल। तुमका पता है का मांगत हो? और का तुमका पता है तुम इस समय किससे बात कर रहे हो? 200 किलो टन न्यूक्लियर मिसाइल से पूरा एक देश तबाह हो सकत है, ब्लैक मार्केट में भी नहीं मिल सकत। तो फिर हमका तुम्हारी जरूरत नहीं, फौरन कॉल कट करा और साथ ही साथ हमारे सारे कनेक्शंस भी। हमारी बात सुनो, सिर्फ एक ही जगह है जहां वो मिसाइल मिल सकत है, एक 200 किलो टन का न्यूक्लियर मिसाइल है, पर उका छिपा के रखा गया है, उका पता सिर्फ हम जानत है। तो हर इन्फॉर्मेशन सही है, इसकी क्या गारंटी है? वो मिसाइल की सारी डिटेल्स हम आपको भेजते हैं, वो देखे के बाद आपको सब पता चल जाए। चीफ, का हम लोग इंडियन एम्बेसी से मदद नहीं मांग सकते? नहीं, ये ट्रीटी के खिलाफ हुई, वो लोग इससे कभी सहमत नहीं होंगे। और फिर बाकी देश उनकर ही हरकत की वजह से कौनो बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। अगर वो लोगों ने मदद से इनकार कर दिया तो क्या उपाय होगा चीफ? सिर्फ एक ही उपाय है, अब हम आप लोगों से एक ऐसी बात कहे वाले हैं जो रिकॉर्ड्स में नहीं है। ये एक सीक्रेट मिशन है और एक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सभी को भेजी जाएगी। इसलिए मिसाइल चुराए के हुई का? मिसाइल चुरानी होगी चीफ, कोनो और देश की मिसाइल चुराने से वॉर की संभावना हो सकत है? नहीं, दरअसल उनकर मिसाइल इलीगल है, वो तो मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकते। हाँ, लेकिन मिसाइल चुराना कोनो बच्चों का खेल नहीं, कहे कि वो मिसाइल उनकर देश में नहीं है, उको ऐसी जगह रखा गया है जहां से वो दुनिया में कहीं भी वार कर सके, उस स्पेस में है। ई सैटेलाइट स्पेस में रिसर्च सेंटर के तौर पे पार्क किया गया है, लेकिन असल में ई एक मिलिट्री बेस है, जेकर मतलब ई हुआ कि अगर भविष्य में उनके देश पे कोनो तरह की आंच आई तो गैर कानूनी तरीके से अपन देश की सुरक्षा के लिए ई मिसाइल के वो कोनो भी कंट्री पे टारगेट कर सकते हैं। और ये इतना ताकतवर है कि ना सिर्फ वो कंट्री बल्कि आसपास की और कंट्री का भी बच पाना मुश्किल होगा। ई मिसाइल का अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो धरती से मानव जाति भी खत्म हो जाएगी, भविष्य में लड़ाइयां स्पेस से ही लड़ी जाएंगी। इसलिए वो लोगों ने ई कदम उठाया है और वो मिसाइल स्पेस सेंटर के एक सिक्योर्ड वॉल्ट में रखी गई है। ओकरे अलार्म सिस्टम से बचकर अंदर जाना लगभग नामुमकिन है, और अगर किसी तरह हम अंदर चले भी गए तो वहां हमें बहुत बड़ी फौज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चीफ, ऐसे सिक्योर्ड वॉल्ट को तोड़कर अंदर जाना, हमारी टीम को ई ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं मिली है। एक खातिर हम सिर्फ अपन टीम पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए ई मुश्किल काम के लिए हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। सो माई फ्रेंड्स, उमे दाखिल होने के लिए हमें एक शातिर चोर को खोजे के पड़ेगा। इतने गंभीर मिशन को पूरा करने के लिए हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और वो भी कौन है, चोर पे? हम आप सबसे एक सवाल पूछे के चाहते हैं। 4 करोड़ जिंदगियों को बचाने के मिशन में एक चोर को हायर करना का कोई गुनाह है? का हमारी फैसला आपको गलत लगत है? आपके दिए ऑर्डर्स के हम बिना किसी सवाल के मानेंगे चीफ। वेटिंग फॉर योर कमांड चीफ। हम आपके साथ हैं चीफ। तो ठीक है, अब जितना जल्दी हो सके हमें दुनिया के सबसे स्मार्ट चोर ढूंढने के हैं। ये एस्टेरॉयड 60 स्क्वायर किलोमीटर का है, अगर ये धरती पे गिर गया तो न जाने कितने शहर तबाह हो जाएंगे, और उस जगह पर इतनी बर्बादी होगी कि वो जमीन अगले 100 साल तक बंजर हो जाए। ये एस्टेरॉयड न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरनाक है। डिफेंस टीम इका रोके में पूरी तरह से लगी हुई है और ये मिशन को हमने लोगों से छुपा के रखा है ताकि लोगों में दहशत न फैल जाए। एस्टेरॉयड को पूरी तरह तबाह करे के बाद ही उनका ये बताया जाए कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हैं। छोटे मोटे एस्टेरॉयड तो धरती की तरफ आते ही रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा एस्टेरॉयड हजारों सालों में एक बार आवत है,
आजकल लोग बिना कोनो बात के फेमस होने के खातिर झगड़ों पर उतर आते हैं। अगर हमका 5 दिन का वक्त मिल जाए ना, तो हम एक एक करके इस सब का इनकाउंटर कर देंगे। स्वाति, सब मवालियों का इनकाउंटर करने से इस देश नहीं सुधरने वाला। सरों का नाम वासु है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो इतना शातिर और चालाक है कि हमने उसे हाई सिक्योरिटी सेल में रखा है। हम भी देखते हैं कितना दम है। क्या वो वाकई इतना खतरनाक है? मिल लीजिए, खुद ही समझ जाओगे। एक बार तो हदे कर दिया, अचानक वो जेल से गायब हो गया। ना ही ताला तोड़ा गया, ना ही सलाखें कटी, फिर भी वो भाग निकला। एक बात ना ही समझ आवत, आपके वासु की क्या जरूरत पड़ गई? होगा गोरिल्ला बना के नचाना है। ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनत है। ये वन साइडेड मिरर है, वासु हम लोगन के ना ही देख सकता। वासुदेव, ये आदमी के साथ डील करने में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये जादूगर है और साथ ही साथ भागने में माहिर। ऐसा कोनो ताला नहीं बना जो ये तोड़ ना सके, और ना ही वो सलाखे जो इसे कैद कर सके। कुछ समय पहले ये मैजिक शो होस्ट किया करता था, लेकिन बाद में अपन हुनर का इस्तेमाल करके इसने शहर के काले धन वाले लोगन के लूटना शुरू किया। आप लोगों तो जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले नाइट क्लब शूट आउट में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें मिनिस्टर के बेटा का नाम आया था। ओका बचाने के लिए मिनिस्टर के वॉचमैन के बेटे को फंसा दिया गया। वो हादसे में इस्तेमाल किए गए हथियार को पुलिस एविडेंस रूम में रखा गया था। आप जाना था इसने क्या किया था? गौर से देखिए। सुबह तक बिल्कुल ठीक था, पता नहीं अचानक ये खराब कैसे हो गया। साहेब, ये बनना तो हमारे जन्म से पहले ही बंद हो गया था। रिश्वत में इतना कमा तो नया काहे नहीं ले लेते। चेक एंड मेट भैया, ससुरा हैक हो गया है। And gotta get a clue, high tech clue. He makes up, he breaks up all the rules. All the day he been thinking, magic brain you're working. God is on me working there, trying to find him. Don't you dare, don't you dare, don't you dare. Stop. He's never been a loser. Jai sir, sir. File बहुत जरूरी है, time से sign करवा के वापस लेके आओ, ठीक है? चल। सर, हाँ? कौन से पुलिस स्टेशन से? पाटलिपुत्र। रजिस्टर में नाम और सिग्नेचर कर दीजिए। जी, राजेश कन्नन। है? जाइए सर। पुलिस स्टेशन के आदमी को तुमने अंदर कैसे जाने दिया? सर, वो भी पुलिस वाला है सर। तुमने सिस्टम में वेरीफाई किया? यस सर। कहाँ है वो, अंदर गया क्या? रजिस्टर दिखाओ। सर, यहाँ से किसी को बाहर जाने मत देना। ओके सर। ए, गेट बंद कर, कोनो बाहर ना जाने पाए। And gotta get a clue. He makes up, he breaks up all the rules. All the day he been thinking, magic brain you're working. God is on me walking there, trying to find him. Don't you dare, don't you dare, don't you dare.
किसी को जाने मत देना। He's never been a loser. He's a little my master. तलाशी लो इसकी। इसकी पॉकेट चेक करो। सर। अच्छी तरह तलाशी लो। हाथ सीधे कर। कुछ नहीं है सर। सही है। ये लीजिए अंकल दूल्हा। सब जगह ढूंढे सर पर गन नहीं मिली। गन मिलने के बाद ही इसे जाने देना। ओके सर। सर गन कोर्ट में पेश कर दी गई है। तूने ये घटिया ट्रिक पुलिस वाले को दिखा के गलती कर दी। नीचे जो फाइल्स पड़ी है ना, ये फाइल्स एक भागे हुए टेररिस्ट की हैं। वो तो मेरे हाथ नहीं लगा, लेकिन तू नहीं बच पाएगा। उसके केस में तुझे फिट कर दूंगा। कितना लंबा जाएगा ये? कम से कम 10 साल। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, लेकिन अब खुद तुम अपने बेटे से दूर हो जाओगे। तुम्हें जेल हो जाएगी। एक बेगुनाह हमारी आंख के सामने सजा काटे ये हम नहीं देख सकते। ये हमारे उसूल के खिलाफ है। पापा। रोते नहीं है बेटा, हमारा बेटा बहादुर है ना। अगर ई का कौनो कमजोरी है तो वो है ई का बेटा रवि। ई का बेटे का इस्तेमाल करके हम इसे कुछ भी करवा सकते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, नाइस। पापा। अरे क्या कर रहा था? अरे ये मुटका है, बजाए तो कान के नीचे। अरे हमने क्या किया? टुवाओ बेटा। अब देखा जादू। ये गई अंदर। अरे सिक्का कहाँ है? अब तू सिक्का डाल। अंदर अंदर अंदर। अब देखते हैं कॉइन कहाँ है। ये रहा सिक्का। गिनो। एक तारा, दो, तीन तारा। तारे छोटे काय होते हैं। वो देखा, उसका चांद चाहिए। ये लो बेटा, चांद से फुटबॉल खेल। गोल। थैंक यू। पापा। माफ कर रहा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पापा काहे रोते हैं? वासु का बिटवा आया है, आप मिलना चाहेंगे? नहीं नहीं, बच्चे को वासु से मिलने दो। ठीक है सर।
तोर बेटा तुझसे मिलने आया है, अंदर भेजत है। यहाँ का है? हम तो हमेशा विजिटिंग एरिया में मिलते हैं। मिले का है तो यही मिल, वरना वापस भेज दे। अच्छा कौनो बात नहीं, हम यही मिल लेते हैं। बस तू ये हथकड़ी खोल दो, हमारे बेटा के अच्छा ना लगी। बेटा के अच्छा नहीं लगी के आँख मिलाने से डर रहा है? तो का मिलना है तो यही मिल, ये जेल है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। ये क्या कर रहा है बे? रुको, वो जो कर रहा है उनका करने दो। तुम्हारा बेटा आया देख लेगा, मोल ससुरा खोल। अरे खोल दे, हमारे बाप का है मिट्टी पलीत कर रहा है ना। विजिटिंग आवाज में कैदी की हथकड़ी ना ही पहनाते हैं। अरे साले, अगर मान ले हमारी जगह तू होता तो क्या करता? हाँ हाँ खोल खोल, अरे बिना हथकड़ी के मिलो उसे। हाँ रुक, चाबी दे दे। दरबाज पागल है साला। क्या ख्याल है इसके बारे में? हमका नहीं लगा थी कौनो काम का है। इका खुद पे बहुत गुरूर है चीफ। पापा रवि पापा हे फ्रीज। का हुआ? अपन पॉकेट चेक कर। अरे वाह चॉकलेट। पापा यहाँ कितनी गर्मी है, पंखा नहीं है। अरे पंखा का करना है, रात को यहाँ एसी चलत है। आबरा का डाबरा। जाना था ये पुलिस वाले हमार दोस्त है। तो दोस्त लोगन के बोल के घर आ जाओ ना। ठीक है हम बोल देंगे। पापा पॉकेट में हाथ डालिए। हे बाप सिर बेटा सवा सिर। हाँ पापा। टाइम खत्म होगा, बाकी मुलाकात सपना में। चला दो मिनट खाती रहो। अभी के बारे में क्या ख्याल है? मिटवा खातिर पागल है सर। सर ये कानून तोड़ने में कभी पीछे नहीं हटता होगा, पर इंसान अच्छा है। इको सिलेक्ट करते हैं। रिलीजिंग पेपर्स तैयार करवाओ, सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद इको हेडक्वार्टर्स लेके आओ। लेकिन इंडियन आर्मी की स्पेशल पावर्स की तरफ से ये तुमका जेल से रिलीज करने के ऑर्डर है। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। थोड़ी देर खातिर बाहर जाइए। ओके सर। इन रिलीज ऑर्डर्स के मुताबिक इंडियन आर्मी तुमसे जो चाहे वो करवा सकता है। पर ये सब का है? हाई सिक्योरिटी वॉल्ट से तुमका एक चीज चुरानी है। अगर देश को हमारी जरूरत है तो हम देश के लिए तैयार हैं। परिमा एक प्रॉब्लम है, ये काम खातिर हमका हमारा टीम चाहिए। अरे गया छिलके, थर्ड अंपायर के पास गए। कहां उठे, साफ साफ देखा थे तो हम करा देते। ये हुआ होएगा। ससुरा थर्ड अंपायर का वेट कर रहा था, पता नहीं है कि चौथे अंपायर हम है। अबे कावा, अबे कहाँ है रुका रहा है बे झंडो। अरे जल्दी बात, आर्मी वाले आ रहे हैं। आर्मी यहाँ पे? अबे आर्मी को कैसे पता चल गया हम यहाँ है बे? अबे अबे छिलका कहाँ गए बे? रुक जा, पकड़ कहाँ जाए जाए? रुक जा, रुक जा, मेरे मत जाएगा, पकड़ इसको। अरे सर हमने कुछ नहीं किया है सर, वो आउट ही रहा, ये चीटिंग है सर। बताओ कहाँ है तोर बटन? हाँ, ये कहाँ है? सर बाहर आ ससुरा, अंदर क्या कर रहा था?
साहब वो बात ये है कि बहुत जोर से लगी थी। अच्छा, अच्छा। आसपास कोनो बाथरूम ही नहीं है ना इसलिए। ए मोटा तो का कहे थे ना फटे में टांग मत अड़ाओ, अब उल्टा लटका की लगेगी बंबू। सच बोला था। अरे वासु तू यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो जेल में सड़ रहा था, यहाँ एसी में कैसे मजा काट रहा है? अरे तू लोगों के हम ही यहाँ बुलाए हैं। तुमने? और इस एहसान का वजह क्या है? कौनो मेडल दिलवाने वाला है क्या? अरे ना ही, फिर चोरी करनी है। एक फौजी मैडम कह रहे थे कि कौनो कीमती चीज चुरानी है। क्या कीमती चीज? हाँ बाहर में जा, सब चुरा लेंगे। अरे वाह, आई ना मेकअप रूम का लागे थे। बहुत दिन हो गए यार, नाक के बाल को नहीं सहलाए। मजा आई। अच्छा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के तहत तो का छुड़ाया गया है। मतलब आर्मी को हम लोगों की बहुत जरूरत है। ये टैबलेट लेके अंदर कैसे गया? पता नहीं कर्नल, हम तो बहुत अच्छे से तलाशी ले रहे हैं। एक वासु काम चाहे जॉन भी हो, प्रॉफिट दो हिस्सा में हुई। वो आर्मी मैडम से जब बात किया तो हिस्से का कोनो ख्याल ही नहीं आया। आर्मी मैडम शादीशुदा थी या कंवारी? अरे जब उससे मिलेगा ना तो खुद ही पूछ लेना। चीफ हमको नहीं लगता ये सब भरोसे के लायक है। नहीं नहीं, हम मिलिट्री से पैसा नहीं लेंगे। हमको हमार शेयर ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन रम का एक क्वार्टर मिल जाए तो मोटा। कैसन बात कर रहा था, ढक्कन सूंघ के तो चढ़ जाते। ए तो का रम चाहिए ना, तो हम रम के ड्रम में डुबकी लगवाएंगे ना तो का। ये सब नमूना देश को बचा पाएंगे। सॉरी सर, पर हमका लगा था ये लोगों से नहीं हो पाएगा। इन पे भरोसा नहीं कर सकते। पहले एक मौका तो दो इन्हें, फिर किसी नतीजे पे पहुंचना। ये सबके आजमा के देखे के चाहिए, वरना ऐसे ना हो कि पूरा मिशन ही खराब हो जाए। इन लोगों का परीक्षा लेने चले थे, हम लोगों का ही क्लास लग गया। जो भी हो, इन लोगों से हार नहीं मानेंगे। इवॉल्ट दुनिया के सबसे मजबूत टाइटेनियम से बना है और आपका काम है इसको खोलना। एक काम खातिर यहां रखी हुई चीजों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक काम को आपको 2 मिनट में करना होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे सीक्रेट कोड कहां हो सकता है? एक नंबर। इस पर तो खरोंच तक नहीं। दुआ करती है। अब क्या करें? We have to blast it. Okay. सिर्फ 1 मिनट बचा है आपके पास। कौन सी लें? ये explosive sticks का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। वासु, ऐसा पटाखा तो आप दशहरे में रावण को जलाने के लिए लगाते थे। अरे, disturb मत कर। ब्लास्ट। कुछ नहीं हुआ? कौन है, असर ही नहीं हुआ। टाइ टाइ मिस। ऐसे नहीं खुला। योर टाइम इज अप जेंटलमैन। तुम्हारे लिए भी वही रूल्स हैं जो इनके लिए थे, जो चाहे इस्तेमाल कर सका तुम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे वासु जाना यार, खोल देना। मिशन अपग्रेडेड टू द नेक्स्ट लेवल पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर पावर। ही'स गॉट दिस सेवन सेंस, मेकिंग सम रीजनल क्रिमिनल प्लान्स, गॉट टू मेक अप विद अ मूव और ही नॉट फॉरगेटिंग द रिच। दैट्स ट्रू, टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स द चेंज, या लेट्स नॉट टाइम टू यूज इट। वी हैव गॉट अ सुपर ब्रेन, जस्ट डोंट थिंक नॉट टू यूज इट। ओह दरअसल हमका वो बड़ा शायद हमका वो यूज करना चाहिए था। अगर हम ओकर इस्तेमाल करते तो भाई साहब। Wow.
वेल वेल वेल, अब तो समझ गए ना कि हमें इनकी जरूरत काहे है। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की तैयारी करो। आ गए गुरु। क्या बात है, पिज्जा खाइबू। वेलकम टू द टीम बॉयज। इस और मंडल का विज्ञान ऐसा है कि अगर इमा जीवन है तो इमा जीवन को पूरी तरह खत्म करने का ताकत भी है। एक एस्टेरॉइड धरती की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, जेका निशाना भारत का दक्षिणी हिस्सा है। ऐसा हुआ तो आधा भारत पानी में डूब जाएगा और बाकी शायद जीने के लायक ही ना रही। एका समय पर रोकना होगा, ना ही तो हम अपने परिवार को और ई देश को अपनी आंखों से तबाह होते हुए देखेंगे। भैया ये तो कोई हॉलीवुड पिक्चर का सीन लागत है, पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाए। ए छिलका, हम लोगन का क्या होगा यार? अबे क्या होगा, एक ही जन्म में सातों जन्म मिट जाएंगे। आठवें जन्म में अप्सरा तो मिली ना। भैया तुम इतने शांत कैसे हो, त्योहार नहीं फटी का? अरे मुंह बंद करना। ए, ये लोग तो तुझसे चोरी करवाना चाहते हैं ना, पर क्या चोरी करवाएंगे? अरे हाँ यार, हम तो इस बारे में पूछे भी नहीं। स्पेस मा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है और ना ही हवा होता है, और एक खातिर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। अगर गलती से भी स्पेसशिप बिना इस सूट पहने छोड़ा तो आपके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। और अगर ये ग्लव्स और हेलमेट नहीं पहना या फिर इन पर छोटी सी भी खरोंच आई तो आप उसी समय मारे जाओगे। कैरी ऑन विद योर ट्रेनिंग प्लीज। यस सर। ये चाइना माल है कि इंपोर्टेड है? ये मिशन में जॉन भी टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया की है। देसी माल पहन के स्पेस में ना जाएंगे? और नहीं तो क्या, जो नील आर्मस्ट्रांग पहना था ना वही पहनेंगे। लोगन की जान खतरे में है, कहो तुम में देशभक्ति नाम की कौनो चीज नहीं? अच्छा देशभक्ति, आप में से कौन कौन लोग इंडियन फोन इस्तेमाल करते हैं? मेकअप भी इम्पोर्टेड। सस्ता फोन खरीदेंगे तो वैल्यू डाउन ना हो जाए? हाँ, वैसे भी हमारा आत्मा तो इम्पोर्टेड है। अगर ढंग का कौनो सवाल पूछ सकते हो तो ठीक है, वरना दफा हो जाओ। हमारा एक डाउट है, एक कॉस्ट्यूम बिल्कुल बोरिया जैसा है, अगर मूत्र विसर्जन करना है तो क्या करेंगे? अरे हमारा डाउट नहीं, इनका डाउट है। अबे ये का बवाल है। स्पेस में जा रहे हो, गली का नुक्कड़ में नहीं, पहन लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे खातिर। रेडी। स्पेस में तुमको धरती की ग्रेविटी ना ही मिलेगी, वहाँ एक कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ बिना ग्रेविटी के शरीर के कैसे संभालना है और साथ में सारे काम कैसे पूरे करने हैं, यही सीखने हम यहाँ आए हैं। यहाँ स्पेस जैसा माहौल आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है, एकदम ऐसे। जीरो ग्रेविटी में सांसों को कंट्रोल करना जरूरी होता है, अगर सांसें जोर से लीं तो पेट के अंदर से सब कुछ बाहर आ जाएगा। देख रही है ये ग्रेविटी का उखड़ पाई? अरे मुंह का गटर बंद करेगा। अब तो हर बारी है। अरे हमारे वेट पंखा संभाल लेना। अबे चुप कर। अरे अरे पकड़ पकड़। अरे संभाल रहे तो बा। अबे उड़ रहे हैं। अरे मोटे उल्टी मत कर यार। कंट्रोल कर कंट्रोल। अरे नहीं 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 नहीं। सांसों पे कंट्रोल रखो। मुंह बंद कर रहे। अरे नहीं 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 नहीं। चुप। अरे कंट्रोल। अरे 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 चीम मैडम। बंद करिए कहाँ हवा में घुमा रही है। अरे बंद करिए मैडम। अरे दूर हट दूर हट दूर हट। ससुरा कहेगा। अरे अरे मैडम बंद करो। अरे अब आराम। पूरा पिज्जा निकल गया। इतना उल्टी तो पहली बार किए हैं। पूरा पेट साफ हुई गया। ये जो आप देख रहे हैं उस मिसाइल का एग्जैक्ट डिजाइन है जो आपको चुराना है। क्रू में शामिल हर इंसान के पता होवे के चाहिए कि मिसाइल कैसे लोड करे के है। मिसाल के तौर पर अगर लोकेशन कोऑर्डिनेट्स 89.8067 डिग्रीज नॉर्थ और 221.5285 डिग्रीज ईस्ट है तो मिसाइल को ऐसा लोड करे के चाहिए कि वो ठीक सही लोकेशन पर जाए। याद रहे कि आपको लोकेशन कोऑर्डिनेट्स बहुत ध्यान से फीड करने होंगे। स्पेस में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बदले एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों एक्सेस के इस्तेमाल से आप स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दिए हैं ये बहुत जरूरी है, इसे आप प्लीज कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए।
तुम लोगों ने तो नोट कर लिया है ना, जरा अपने दोस्त को जगाओ तो। वासु, वासु। एक कप कॉफी पियो और ट्रेनिंग पर ध्यान दो। सॉरी सर, स्वाति बच गई। आइंदा ऐसी गलती ना ही हो की चाहिए। हमको हमारे काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। कल तक लड़की खत्म हो जाए के चाहिए, वरना तुमको खत्म होए से कोई ना बचा पाए। अरे वासु, उस स्वाति बंदूक लेके यही जा रहे थे। स्वाति बंदूक लेके? ये तो सच में आवत है। अरे भागो। ए रुका। अरे अरे ये का जमेला है बे। अरे सुना, यहाँ पर तो आना अलाउड नहीं है। अच्छा तो गन दिखा के यहाँ फन होते है। और चलो। निशाना चूक गया का? अरे हमारा बाप, तू चल अंदर। अरे चल। यहाँ से किसी ने गोली चलाई थी। यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, वो अंदर कैसे आ गया? यही तो समझ में नहीं आ रहा। तुम भी तो क्रिमिनल हो जो इस मिशन से जुड़े हो। ये हमका बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोनो चारा भी तो नहीं। हमार मिशन के बीच कौन आया तो बहुत बुरा होगा। ये है उस स्पेस स्टेशन की ब्लूप्रिंट, जिसका स्टडी करके हम आगे बढ़ेंगे। मिसाइल ई वॉल्ट में है। एक का मतलब मिसाइल यहाँ है। He's never been a loser. He's a little mind master. अरे भाभी है, तो भाभी। अरे अरे बहुत गिरा हुआ है, गिर गया। डूब जाओगे। एकर मतलब ओके है, नॉट ओके, डूइंग वेल। अब तू लोग करो। Making a move, no one is, ain't gotta get a clue. Heights are clued, he makes up, he breaks up all the rules. All the day he been thinking, magic brain you're working. God is only working there, don't you dare, don't you dare. Chalo, jaldi bahar nikla. Don't you dare. Tum logan tayyar ho? He's never been a loser. सही है।
कमतौर नंबर है। अरे भाई सर हमसे ना होगा, अम्मा का कॉल है। अरे हम तो नीचे उतारो भाई। उतारो होगा, नीचे उतारो होगा, नीचे नीचे। अब ठीक है, कल धुआं को लॉन्च करने का प्लान है। किसी भी हालत में ध्रुवा 130 के क्षेत्र से बाहर नहीं जाए के चाहिए। ठीक है सर। अगर वो इस मिशन में कामयाब हुए तो हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कटा दिया। बेस्ट फॉर योर मिशन। तुम लोगों की ट्रेनिंग पूरी हुई है और हमका विश्वास है कि तुम लोग इस मिशन में कामयाब होगे। इसरो में ट्रेन किए गए एस्ट्रोनॉट आर श्री हरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से ध्रुवावन स्पेस एयरक्राफ्ट से अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। इस स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट मेंटेनेंस प्रोग्राम के खातिर भेजा जा रहा है। सफलता की ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। हमें खुशी है आप तक ये खबर पहुंचाते हुए कि आज एक और स्पेसक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये भारत के खातिर बहुत ही गर्व की बात है। इंडियन स्पेसक्राफ्ट ध्रुवा 1 उड़ान भरने के लिए तैयार है। किसी प्लेन में नहीं बैठा, ये लोग रॉकेट में बैठा दिए। इंजन ए चेक, इंजन ए चेक, ओके। इंजन ए इग्निशन सक्सेसफुल। वासु, का तुम हमको सुन सकत हो? इंजन बी चेक, इंजन भी चेक, ओके। कौन हो तुम? का तुम कंट्रोल रूम से बात कर रहे हो? तोहार बेटा रवि, ये बखत हमारी कैद में है। रवि, का हुआ रवि को? कौनो फायदा नहीं, तुम्हारे अलावा हमको और कोई नहीं सुन सकत। लिक्विड हाइड्रोजन चेक, लिक्विड हाइड्रोजन चेक, ओके। तोहार बेटा तुमसे बात करे के चाहत है। पापा कहाँ है? रवि, हमका बहुत डर लग रहा है। घबरा मत। कैसा लगा? हे, कौन है तू और तू हमसे चाहत का? All okay from my side. ध्रुवा 1 ready for launch.
कुत्तों का हमारे काम करना होगा। वो मिसाइल हमका लाके देनी होगी। ध्रुवा वन इज रेडी फॉर द काउंटडाउन। मिसाइल तोका दे दिए तो 4 करोड़ मासूम लोग मारे जाएंगे। काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9। तोका दुनिया के सामने हीरो बने के है, अपन बेटे की जान बचानी है। 7। ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। 3। तो का मिसाइल चाहिए ना? 2। तो ठीक है, हम तो का मिसाइल जरूर देंगे। गुड गुड वासु। 1-0 टेक ऑफ। Congratulations! Stage 1 separation initiated. Stage 1 separation successful, Chief. Stage 2 separation initiated. Operation successful, Chief. आउटर स्पेस में दाखिल हो चुका है। कॉपी दैट कैप्टन। एस्टेरॉयड के सेफ्टी लाइन क्रॉस करे में अभी भी 10 घंटा बाकी है। ध्रुवा वन अपने टारगेट स्पेस स्टेशन पर 2 घंटा में पहुंच जाए। वेल, तब तक आप सभी खूबसूरत नजारों का मजा लीजिए।
ए, सूट में उल्टी मत कर, अंदर खींच, अंदर खींच। आपका बाकी कैप्टन, हमका लगा था कि हम सब के जरूरी चीजें जैसे कि खाना वगैरह दे देवे के चाहिए। ये है वासु के किट। केबिन यूनिफॉर्म चेंज कर लो, हम उनका स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले हैं। अब करोड़ों जाने तुम्हारे हाथ में है वासु, हमरे रहते केहू के कुछ नहीं होगा। ये अप्पू के किट है। अप्पू, इस चमगादड़ की तरह उल्टा काहे लटके हो? तो का करे, ये प्लेन उल्टा सीधा कब होता है पता ही नहीं चलता। यूनिफॉर्म पहन लो। स्कूल के बाद आज मिली है यूनिफॉर्म। ओ नो, ये एस्टेरॉइड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसको वक्त पे रोका नहीं गया तो सब तबाह हो जाएगा। दुनिया से दूर होवे के बाद डर के कौनो एहसास ही नहीं होता। लेकिन एक बेटा का प्यार बाप के डरा के रख देते हैं। से छिड़ी इस जंग जीते के खातिर हमारे पास सिर्फ 4 घंटा का वक्त बचा है। अरे ईका, इतने में तो हम फिट ही नहीं हो पाएंगे, हमारा डायपर ही ठीक है। ठीक है, डाउनलोड नहीं तो अपलोड ही सही। उड़ी बाबा, हमार तारू तो उड़त है। ये तो दारू है। ए छिलका, दारू खाइबा? मजा। स्पेस में भी चेन्नई। यहाँ बहुत अच्छा है, दारू गिरती है तो वेस्ट नहीं होता है। दारू भी ऊपर और हम भी ऊपर। अब सब सीधा दिखाते। स्वाति, वासु बेहोश हो गई। ओह गॉड। ए वासु, वासु, ए वासु, वासु, ए वासु, वासु। यहाँ ग्रेविटी नहीं है ना, इसीलिए चक्कर आ गया। वासु के दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। एक जल्दी सिकबे में ले चलो। आराम से। एक ग्लूकोज पैक है, एक दबाते रहो। अब कैसे महसूस कर रहे हो वासु? तुम बेहोश हो गए थे, तुम थोड़ा आराम करो, इनका ध्यान रखो। जल्दी अपन हेडफोन ऑफ कर। वासु, अरे वासु क्या करते? अरे वहां अंदर कहां जा रहा है? छिलका, घूमने जा तो का? अरे वासु, जा रहे हो तो चखना वापस लेते हुए आना। वासु, आखिर तू कर रहा है? हम रेड और ब्लू वायर को काट रहे हैं। पर काहे?
वासु, इका काटते ही शिप का लिक्विड हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाइड्रोजन इका होता है? लिक्विड हाइड्रोजन मतलब शिप का पेट्रोल। आज हम पूरा फ्यूल खाली कर देंगे। अरे पागल हो गया है का, सब कैसे मारे जाएंगे? मरे हम का करे, तू जा। अरे बावला छोड़ू का। अरे हम बोले ना जा। अरे वासु कम से कम इतना बताओ काहे कर रहा है ऐसा? काहे कि रवि किडनैप हो गया है। क्या बात कर रहा है, कौन किया? हमको नहीं पता, मगर वो कोनो मामूली आदमी नहीं है। अगर उसकी बात नहीं माने तो वो हमरे रवि को मार देगा। वासु, तुम बेहोश होने का नाटक करना ताकि वो तुमको लोअर टेक के सिक बे में ले जाए। वहां जाने के बाद बिना कोनो सवाल के जैसा हम कहेंगे वैसा करना। हमारे पास और कोनो रास्ता नहीं है। स्वाति, फ्यूल अचानक कम हुई गवाह है। हम? ओह नो, फ्यूल टैंक लीक होते है। व्हाट? कौनो भी कंट्रोल काम काहे नहीं कर रहा? ध्रुवा वन का फ्यूल लेवल कम हो रहा है। What? That's not possible. Check the system. Chief, ध्रुवा वन out of control हो रहा है। Just grab on your seat belt and sit tight. लागत है कौनो ताकत हमें अपनी ओर खींच रही है। Oh my God! Oh no! Hello? Can you hear me? Dhruvavan? Dhruvavan, क्या आप हमको सुन सकता है? Dhruvavan, क्या आप हमको सुन सकता है? Please, please. Can you hear me? Please respond. We have lost the signal. Dhruvavan, hello, come in. Hello. Dhruvavan, can you hear me? Kaap humko sun sakte hain? Please respond. Captain, are you okay? Hello, can you hear me? Dhruvavan. I repeat, can you hear me? Please respond. Chief. Wo theek hai. Thank God. Hum log theek hain. Sorry. Sorry, Chief. Ye sab achanak kaise hua, hum nahi jante. इट्स ओके कैप्टन, थैंक यू। सॉरी बोले का बखत नहीं है, गलती को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। ई करे से पहले फिर से सोच ले, तोहरे कारण करोड़ों लोगों की जान जा सकत है। हमरे पास और कोनो रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं किया तो वो लोग रवि को मार देंगे।
आर्मी के लोग मिसाइल चुरा के एस्ट्रॉइड के तबाह करना चाहते हैं, और जे इस मिसाइल के पीछे पड़ा है वो नहीं चाहते कि प्लान सक्सेसफुल हो। वो गद्दार का एमा कौनो न कौनो मकसद है, लेकिन हम होकर प्लान के कामयाब नहीं होने देंगे। चीफ, दिस इज ध्रुवा वन। हम चांद की सतह से रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूल लीक कैसे हुआ ये जाने खातिर हम बाहर आ रहे हैं। ये ऐतिहासिक मौके पर चांद पर कदम रखते हुए हमको बहुत फक्र हो रहा है। As the first Indian to step on the moon, सबसे पहले भारतीय जिन्होंने मून पर कदम रखा, कैप्टन डी रघुराम। अरे अरे वासु, नहीं नहीं, एम वासु। कदम किसी का भी हो, देश के खातिर तो फक्र की बात है ना। वो हमका धक्का दिया, हमका कर दे। जनरल नॉलेज में वासु का नाम आई, सब लोग कहेंगे चांद पे पहला कदम वासु नाम के एक होनहार आदमी ने रखा था। कहा कैप्टन? फ्यूल का वायर कटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? यह तो हमका समझ नहीं आवत है। जितना फ्यूल बचा है उससे सिर्फ एक ही घंटा शिप चलेगा। अगले 6 घंटे के अंदर फ्यूल आप तक पहुंचा दिया जाएगा। पर तब तक तो एस्टेरॉइड सेफ्टी लाइन के बहुत करीब पहुंच जाएगा चीफ, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। वो हमसे फ्यूल टैंक खाली करवावे खातिर वायर काहे कटवाया? और अगर हम स्पेस स्टेशन तक नहीं पहुँच पाए तो अंदर जो मिसाइल है ओका कैसे चुराएंगे? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। यार वासु, ये बात तो तू ठीक कहत है, पर इंतजार करके अलावा चारा का? अगर आसपास कोनो पेट्रोल पंप हो तो धक्का मार के ले जाते। क्या हुआ? फिर चक्कर आएगा वा? चीफ, ध्रुवा 2 फ्यूल के साथ उड़ान के लिए तैयार है। फिर से कोनो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या बात है वासु? क्या हम लोग फ्यूल नजदीकी स्पेस स्टेशन से नहीं मांग सकते? Are you mad? जहां चोरी करनी है वहां मदद मांगत हो? नहीं नहीं कैप्टन, इससे काम बन सकत है। उनके लिए तो बस हम सैटेलाइट मेंटेनेंस के खातिर आए हुए एस्ट्रोनॉट्स हैं, है ना? हम ध्रुवा 1 इंडियन स्पेस क्राफ्ट से बोल रहे हैं। हम यहाँ सैटेलाइट मेंटेनेंस के लिए आए हैं और हमारे शिप का फ्यूल खत्म हो गया है। हमें आपसे फ्यूल की मदद चाहिए। हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं। मैसेज तो हम भेज दिए हैं, अब बस इंतजार करेगा है। ऊपर वाले मदद कर। अरे इसके ऊपर भी कौन रहता होगा का? हम स्पेस रिसर्च सेंटर से बात कर रहे हैं। हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम अपन लोकेशन कोऑर्डिनेट्स भेजत हैं। का आपके पास हम तक पहुंचने के लिए फ्यूल है? यस सर। तो ठीक है, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। आप आ सकते हैं। उनके स्पेस स्टेशन में घुसे का ऐसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। लिक्विड हाइड्रोजन डेंजरसली लो। इंजन ए चेक। इंजन बी चेक। ध्रुवा 1 टेकिंग ऑफ चीफ। Thank you.
स्वागत स्पेस स्टेशन पर लगभग 45 मिनट में पहुंच जाए। बात समझ में नहीं आवत चीफ, एक मामूली चोर फ्यूल के वायर के बारे में कैसे जानत है? ई का मतलब है कि ये काम के अंजाम देवे खातिर ये डिपार्टमेंट से कोई न कोई मिला हुआ है, पर आखिर वो आदमी है कौन? सर अगर आप कहें तो हम छानबीन के खातिर डिपार्टमेंट के इन्फॉर्म कर दें। भाई डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, बस तुम तीनों पे अपनी कड़ी नजर रखना। ओके सर। याकूब भाई, अगले दो दिनों में आपको मिसाइल मिल जाए। अरे कब बकतो खरीदारों मिसाइल के पीछे पड़े हैं? ध्यान रख, अगर वो मिसाइल गलत हाथ में पड़ गया तो बहुत बड़ी तबाही हुई। इको कौन खरीदता है और क्या करता है हमको कोनो फर्क नहीं पड़त। करोड़ों लोगों के जान के बदले ही मिसाइल मिल रहा है, हमको सिर्फ पैसों से मतलब है। जो भी इसकी ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा उसके साथ डील फिक्स कर दो। ये दो दिन से कुछ नहीं खाया सर। दो दिन और नहीं खाएगा तो मर न जाए। Requesting to dock. ध्रुवा वन, आप हमारे स्पेस स्टेशन से डॉक कर सकते हैं। वेलकम टू द स्पेस एंड रिसर्च सेंटर। हम है कैप्टन लीवे, चीफ इन चार्ज, और हमका इंडिया की मदद करके बेहद खुशी हो रही है। थैंक यू कैप्टन ली। हमारे स्टेशन में आर्टिफिशियल ग्रेविटी है और आप कदम रखने वाले हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेस रिसर्च सेंटर में। गिरफ्तार कर लो इन्हें।
हम जानते हैं कि एक एस्ट्रॉइड भारत की तरफ बढ़ रहा है जिससे उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हारे देश को बचा सकता है वो है हमार स्टेशन का मिसाइल लेकिन तो का वो मिलेगी नहीं जानत हो काहे क्योंकि ये है तबाही तो हम लोग चाहते हैं अगर भारत में तबाही फैली तब भारत वो तबाही से उबरने के लिए हमारे देश के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा फिर से स्ट्रक्चर तैयार करे खातिर अगर तुम में से किसी ने भी हमरी मिसाइल को ले जाने की कोशिश की तो तुम में से कौनो जिंदा नहीं बचेगा गॉट इट हम इन इंडियंस को तब छोड़ेंगे जब ये एस्ट्रॉइड सेफ्टी लाइन को क्रॉस कर लेगा तब तक के लिए बंद कर दो इन्हें लागत है ये ऐसे नहीं मानेगा रोको इका तुम और आदमी भेज सकते हो यस सर भेजे थे यहां से बच के जाना मुमकिन नहीं है सबके बंद कर दो तुमको का लगा गली के गुंडों की तरह लड़के निकल जाओगे इधर से इनके खातिर प्लानिंग चाहिए इनके खातिर दिमाग चाहिए अलार्म सिस्टम को चेक करो कि वो काम करत है कि नहीं यस चीफ हमका इसी वक्त ध्रुवा वन की सारी डिटेल्स चाहिए यस सर धक्का मार रहा है ना धरती पे मिल तो क्या ठोक देंगे ए सॉरी यार थोड़ा लेट हो गए तू तो जानता है ना स्पेस में टाइम का पता नहीं चलता है काम हुआ कि नहीं हां सिस्टम में हैकिंग चिप चिपका के आ गए हैं तू लोगन के पता भी नहीं चला ना कि हम तू लोगन के साथ नहीं है हम तुम्हारे कैप्टन हैं कम से कम हमका तो बता दिया करो बहुत हुए तुम्हारे कैप्टन से अब हमार मैजिक देखो सब कंट्रोल में है वासु गुड इवॉल्व के खुले खातिर कैप्टन ली का फिंगरप्रिंट और आई स्कैन का जरूरत पड़ी ई दोनों के बिना अगर मिसाइल एक इंच भी हिला तो अलार्म बजा लगी और अलार्म सिस्टम के बाईपास करेगा कोनो चांस नहीं
बस यह एक दिक्कत है। ध्यान रहे, जब तक वो लोग हमारे शिप पर हैं, उन पर नजर रखो, सब अलर्ट रहेंगे। यस चीफ। जाओ। सिग्नल के कहाँ हो गया? तुम दोनों जाकर सर्वर रूम चेक करो और तुम लोअर डेक चेक करो। इंडियंस आखिर चाहत का हो? एक एस्ट्रोनॉट जो फाइट करके हीरो बनना चाहता है और एक छोटा सा आदमी जो छोटे से बॉक्स में छिप जाता है। सर, मिसाइल अपनी जगह पर नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। मिसाइल कहां पर है? हमका नहीं पता, जाके पता कर ले। मिसाइल कहां पर है? हम सब तो ये कमरा में बंद थे ना, हमका जादूगर है जो इस मिसाइल को चुरा लेंगे। अगर तुमने नहीं बताया कि मिसाइल कहां पर है तो हम तो का मार डालेंगे। ठीक है, मार दे। बोल, मिसाइल कहाँ है?
वासु, अगर ये हमें जान से भी मार दे तब भी का मत बताना। बॉल कहाँ है? बताते हैं। नहीं वासु मत बताना। बताओ कहां पर है? इंडियन शिप में। इंडियन शिप में? जानता है अगर किसी ने मिसाइल एक इंच भी हिलाने की कोशिश की तो अलार्म बजने लगता है। तू मिसाइल चुराया कैसे? ये मुमकिन ही नहीं है। स्वाति, हम ये का मिसाइल वापस कर देंगे। इसे कह कि सबके छोड़ दे। मिसाइल हम लेके आवत है, तुम इन लोगों को छोड़ दो। नहीं, तू जो ये लड़की और बाकी सब यहीं रहेंगे, अगर जरा भी चलाकी की तो सब मरेंगे। का तुम लोगों के सच में ऐसा लगा था कि तुम लोग यहां आराम से आओगे और बड़ी ही आसानी से निकल जाओगे, वो भी मिसाइल के साथ? कैप्टन ली, हम सब ध्रुवा वन में पहुंच गए। मिसाइल कब्जे में ले लो और उका स्पेस में फेंक दो। ऐसा दर्दनाक मौत देना कि दुनिया के लिए मिसाल हो। ओके कैप्टन। भैया बहुत भौकाल है। हमका वो आदमी चाहिए, जिंदा या फिर मुर्दा। वॉकी-टॉकी निकाल दे जल्दी। उका बोलो कि ये नंबर नोट करें। 89.8067 डिग्रीज नॉर्थ और 221.5285 डिग्रीज ईस्ट है। वासु, 89.8067 डिग्रीज नॉर्थ और 221.5285 डिग्रीज ईस्ट। उसने हमारा ही मिसाइल हमारे देश पर टारगेट कर दिया है। अगर तो एक कदम भी इंडियन स्पेसशिप की तरफ बढ़ाया तो पर खच्चे उड़ जाएंगे। सारे सोल्जर्स को वापस बुलाओ। मिसाइल्स के निशाने पर अब हमारा देश है, इससे हमारा देश और हमारी जनता पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी।
तू लोगन की भी लगी पड़ी है। हाँ, लेकिन हमसे ज्यादा इन लोगन की लगी पड़ी है। यहाँ भी डर के मारे हाथ पांव कांपत है। ध्यान से, अगर हाथ छूटा ना तो जहाँ पर तू है वहाँ से ऊपर वाला ज्यादा दूर नहीं है। ए, डर रहा है कि डरा रहा है? गुंडों की तरह लड़के निकल जाओगे इधर से? इनके खातिर प्लानिंग चाहिए, इनके खातिर दिमाग चाहिए। हाउ इज दिस पॉसिबल? मिसाइल अपनी जगह पर नहीं है। मिसाइल्स के निशाने पर अब हमारा देश है। सारे सोल्जर्स को वापस बुलाओ। स्वाति, हमारी बात ध्यान से सुना। इससे पहले कि ओकर ट्रिक का पता चले, शिप में वापस चली जा। क्या हो रहा है? बज गई पुंगी। वो वॉल तोड़ गया चीफ। तो भागा था हमसे। चलो चलो जल्दी।
अनडॉकिंग ध्रुवा वन। कैप्टन, हमें वासु खातिर रुकना होगा। We do not have any time. हमारे पास जितना फ्यूल है उससे इंजन सिर्फ 15 मिनट चल सकता है। Come on, वासु, come on, come on, come on. जल्दी आओ। अरे आजा, आजा। आजा, आजा, आजा। Oh no! Oxygen tank leak ho gaya. Oh no! Oh no! Hey Vasu! Yes, 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 thank God, thank God. क्वार्टर को क्या जवाब देंगे? एक रिपोर्ट तैयार करो कि स्पेस के एक बड़े एक्सीडेंट में हमने मिसाइल को खो दिया और वो वापस नहीं आ सकती है। रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल बनाओ और हेडक्वार्टर्स भेज दो। संभाल के। पल्स रेट बहुत धीमी चल रही है, इंजेक्शन बॉक्स में रखा है, लेकर आओ जल्दी, जाओ। वासु, वासु, हे वासु, हे वासु, हे वासु, गुड मॉर्निंग, तुम अब ठीक हो? चीफ,
आप हमको सुन सकते हैं, हम अपन मिशन में कामयाब रहे। थैंक गॉड, हम सब तो घबरा ही गए थे। वासु, अब वक्त आ गया है कि तुम अपन किया हुआ वादा निभाओ। लेकिन यहाँ तो का मिसाइल कैसे दे सकते हैं? फ्यूल के बहाने। हम ध्रुवा 2 को स्पेस में इसीलिए तो भेजे हैं। और हमारा बेटा? जैसे ही तुम मिसाइल को ध्रुवा 2 में लोड कर दोगे, वैसे ही तुम्हारे बेटे को उनके दादाजी के पास सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। ध्रुवा 2 हमके नजर आ रहा है। ध्रुवा 2 डॉक के लिए तैयार है। Unlocking from Dhruva 2. All the best for your mission, Dhruva 1. Thank you, Dhruva 2. अगले 10 मिनट में तुम्हारे बेटे को आर्मी कैंप पहुंचा दिया जाएगा। का तुम जानते हो कि हमने इस मिशन के लिए तुमको कहा है? चुना वासु, कहा है कि तुमको अपने बेटे से बेइंतहा प्यार है। और हमका पैसों से, और ये प्यार के लिए 4 करोड़ लोगों की जान। बड़ी मामूली बात है, का समझे कैप्टन? हमारी शिप के ठीक सामने ही है। प्रतीक। यस चीफ। रितिका की जगह अब तुम बैठोगे। ओके सर। सेफ्टी लाइन क्रॉस होने में सिर्फ 10 मिनट बचा है। मिसाइल को लोड कर दो स्वाति। यस कैप्टन। मिसाइल गायब हो गया है। What? सेफ्टी लाइन क्रॉस होने में अब भाई 5 मिनट बाकी है चीफ। What's the problem, कैप्टन? मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार नहीं है का? चीफ, मिसाइल कहीं गायब हो गई है। ये का बकवास है कैप्टन? हो सकता है कि कोनो टेक्निकल एरर हो। वो सच में गायब है। कैप्टन, एक जिम्मेदार वासु है। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ? तस्वीरें भेज रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। Oh my God.
तो ये वासु ने अपने ही देश के साथ गद्दारी की है। जो ने इंसान की जिंदगी झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी है, वो गद्दार पर भरोसा कैसे करे? हाँ माना वो गद्दार है, पर मिसाइल शिप के बाहर कैसे जा सकते है? कहा तुमको फोटो में दिख नहीं रहा है वो? कैप्टन प्लीज काम डाउन, हमारे पास टाइम नहीं है। सेफ्टी लाइन क्रॉस होने में बस एक मिनट है, मंजिल के इतना करीब आके हार गए। सेफ्टी लाइन क्रॉस हो गई। हम लोगों को नहीं बचा पाए। चीफ, हम में से कुछ लोगों की फैमिली वही जा रहते हैं जहां एस्ट्रॉइड गिरने वाला है। ये आखिरी समय में हम सब उनसे एक आखिरी बार टेलीफोन पे बात तो कर सकते हैं। चलो यहाँ से। ऑपरेशन सक्सेसफुल। रवि, 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 बेटा। वासु, तुहार बेटे को छोड़ दिया गया है। ग्राउंड स्टाफ, ये देरी के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। मिसाइल मिल चुकी है और हमले के लिए तैयार है। ये क्या बात कर रही हो? एस्टेरॉयड का सेफ्टी लाइन क्रॉस होने में अभी 5 मिनट बाकी है चीफ। सब ठीक हो गया। अगले 10 मिनट में तोहार बेटे को आर्मी गेस्ट हाउस पहुंचा दिया जाएगा। अगर वो शातिर है तो हम भी उसे एक कदम आगे चल के दिखाएंगे। जल्दी प्लान सोचा। We are talking to Dhruva too. अब वक्त आ गया है कि तुम अपन पिता होने का फर्ज निभाओ। ये जो आप देख रहे हैं उस मिसाइल का एग्जैक्ट डिजाइन है जो आपको चुराना है। स्पेस में असली नकली का फर्क उसके वजन से बिल्कुल नहीं पहचाना जा सकता। मिसाइल लोड करो स्वाति। यस कैप्टन। देरी के लिए माफी चाहते हैं चीफ, अब हम मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। टारगेट लॉक।
Asteroid blast successful. चौपट कर दिया ही लोगों ने। हो गई धमाका। चीफ के क्या घन चक्कर बना है, रात के ससुरा की नींद नहीं आएगी। Congratulations to you all team. Congratulations, Captain. Congratulations, Vasu. Sir. Venkat. Appu. Chief, we are hit. Through a one ki left wing damage ho chuki hai. Oh no. Landing capsule ready to detach from Dhruva 1. हम Dhruva 1 से अलग हो रहे हैं। बस गया। वेलकम बैक सर। Welcome home. Thank Good you. Good job. Thank you. Okay.
Congrats. Thank you, sir. Well done. Thank you, sir. Good job. Congratulations. हमारे टीम की तरफ से आप खातिर भी एक मेडल है। तनिक अपन पॉकेट चेक करो। आखिर कातिल पकड़ा गई। Tick, tick, tick.